So what's cracking SBS Cars family? How do you guys? Welcome back to my channel SBS Cars and I'm Shivam Pratap Singh and I'm back again with another fresh video. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे about the Volkswagen Tiguan. Yeah. So finally बता देता हूँ कि कंपनी ने हमें कल ही जो है कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स दी हैं रिलेटेड टू द लॉन्च एंड ये जो अपडेट्स है कन्फर्म्ड अपडेट है कार से रिलेटेड बहुत सारी कन्फर्मेशन आ चुकी है. सो इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली है द Volkswagen Tiguan. इससे रिलेटेड मैं पूरी अपडेट बता रहा हूँ. अगर आपको जो है इंजन फीचर्स डिज़ाइन प्लेटफॉर्म ये सब पता है तो आप डायरेक्टली टाइम मैंने अकॉर्डिंगली सेट कर रखा है लॉन्च एंड प्राइस के सेगमेंट में जा सकते हैं, वहाँ पे मैं बताऊँगा कन्फर्मेशन. बाकी अगर आपने कार के बारे में कुछ भी आपको नहीं पता है तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें एंड मैं ट्राई करूंगा कि एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं. नाउ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ कह रहे हैं कि अगर आपको भी होता है किसी भी कार किसी बाइक के बीच में कन्फ्यूजन या आपको यही कार्स में लेता हूं कि टाइगन के लिए वेट करना चाहिए या क्रेटा बेटर है सेल्टॉस बेटर है कौन सी परचेज करनी चाहिए, ऐसे कुछ डाउट है तो नो नीड टू वरी गाइस, आप मुझे कॉल करें ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर या जो भी डाउट है सेंड करें, मैं क्लियर आउट करूंगा उस डाउट को एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार. अब बात करते हैं अबाउट द Volkswagen Tiguan SUV. तो बता देता हूँ इसके लास्ट ईयर एंड से ही बातें स्टार्ट हो चुकी थी कि ये इंडिया में लॉन्च तो होगी. अब कब लॉन्च होगी ऐसी कन्फर्मेशन आई नहीं रही थी, पहले रिवील नहीं हुई, बहुत टाइम लिया एंड अब फाइनली जब ये रिवील्ड हो गई तब ये था कि कब ये लॉन्च होगी एंड फाइनली कन्फर्मेशन आ गई है, वो मैं बताऊंगा. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ द Volkswagen Tiguan. सो डायमेंशनली बात करते हैं तो जो हमारी Volkswagen Tiguan SUV है वो क्रेटा सेल्टॉस अपने राइवल्स से छोटी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ विद एंड हाइट. बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो है 4.2 मीटर 1.76 मीटर की इसकी जो है विद है एंड 1.6 मीटर्स की इसकी पूरी हाइट है. बट अगर मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये ज़्यादा अपीलिंग है टू इट्स राइवल लाइक क्रेटा एंड सेल्टॉस. या सो जो Volkswagen Tiguan का है वो स्टैंड आउट होता है, जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो स्टैंड आउट होता है टू हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, मतलब उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है इसके डिज़ाइन लैंग्वेज की. एंड बात करता हूँ तो ये जो पूरी अगर मैं फ्रंट एंड से देखता हूँ टू द रियर एंड बहुत ज़्यादा अपीलिंग कार है. Volkswagen का जो हमारा आपको एलिमेंट है वो तो देखने को मिलेगा, जो डिज़ाइन टिपिकल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो क्लियर होगा ऑन द एंटायर कार. बट जो खुद की ओन आइडेंटिटी है मॉडर्न स्टाइलिंग है वो सब भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग है एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. एंड बात करता हूँ क्रोम गार्निश की तो पूरी कार पे आपको इतना क्रोम गार्निश मिलेगा जिसने और ज़्यादा उसका भी खुद का जो इट्स ओन चार्म जो है वो भी ऐड कर दिया है इन द Volkswagen Tiguan डिज़ाइन. सो ये तो हमने बात करी कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इसका अच्छा है. अब बात करते हैं कि सेकेंड पॉइंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है द प्लेटफॉर्म. या सो प्लेटफॉर्म से लेके बहुत इंपॉर्टेंट बातें मुझे बतानी है. लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो Volkswagen Tiguan SUV है ये बेस्ड है ऑन द VW यानी कि Volkswagen का ही जो MQB A0 प्लेटफॉर्म है उसी पे बेस्ड है जिस पे आपकी Skoda की कुशाक आपको देखने को मिली है रिसेंटली लॉन्च हुई है एंड वो भी सेम इसी पे ही बेस्ड है. बात करते हैं Volkswagen Tiguan की तो कंपनी ने ये कहा है कि इसकी 95% लोकलाइजेशन जो है इंडिया में हुई है, यानी कि 95% इंडिया में ही बनी है ये, जो कि एक लाइक एक एडवांटेज है फॉर द इंडियंस. लाइक इसके जो Volkswagen Tiguan SUV के जो है आपको लाइक स्पेयर पार्ट्स जो है सर्विसेज जो है इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. एंड ये भी बता देता हूँ कि ज़्यादा आपको कॉस्टली नहीं होगी अगर मैं कंपेयर करता हूँ टू द अर्लियर VW मॉडल्स जो कि हमारी मेड इन इंडिया नहीं थी, ना ही 95% लोकलाइजेशन के साथ आती थी. सो ये प्रॉफिट है फॉर द Volkswagen Tiguan अगर आप इसके लिए जाते हैं कि अब जो है चीपर होंगे इन कंपैरिजन. वेल अगर मैं देखता हूँ प्रीवियस मॉडल से तो चीपर ही होंगे इसके प्राइस में. सो ये ज़्यादा बेटर है एंड ये था हमारा द प्लेटफॉर्म. और इस प्लेटफॉर्म पे इसको जो है मॉडर्न डिज़ाइन टिपिकल जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो तो मिलता ही है, सेफ्टी फीचर्स इक्विपमेंट इंजन सब कुछ मिलता है. तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इंजन की. सो जस्ट लाइक द Skoda कुशाक इसे भी जो है टू टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाले हैं. एक है द 1.0 लीटर का TCI पेट्रोल इंजन जो कि चंस आउट करता है मैक्स पावर ऑफ 115 PS एंड 175 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड मेड करता है टू द सेम गियर बॉक्स 6 स्पीड मैनुअल एंड द 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स.
Whereas, आपको Volkswagen Tiguan पे एक और इंजन देखने को मिलेगा जो कि बिगर 1.5 लीटर का TCI पेट्रोल इंजन है एंड चर्न्स आउट करता है 115 PS ऑफ हॉर्स पावर एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड मेड करता है टू द सेम 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कन्फर्म्ड है कि आपको ये इंजन ऑप्शन, ये डिज़ाइन लैंग्वेज, ये प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। सो ये सारी बातें जो है हमने कन्फर्म कर रखी है क्योंकि कंपनी ने रिवील कर दी थी पूरी कार ही एंड उसकी स्पेक्स हमारे पास आ चुके हैं। बाकी ये तो इंजन हो गया है एंड ये भी बता देता हूँ सेम इंजन है जो आपको कुशाक पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जिन्होंने ये 1 लीटर का TCI इंजन ऑफ Volkswagen चलाया है या Škoda का चलाया है तो उनको इजिली पता होगा कि ये इंजन कैसा ड्राइव देता है, लेकिन मैं बता देता हूँ पेट्रोल होने की वजह से ये रिलैक्सिंग है एंड ऑल्सो टर्बोचार्ज TCI होने की वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजन है बिकॉज आपको जो पंच है वो भी मिलेगा, स्मूथनेस है राइड में वो भी मिलेगा, तो एक परफेक्ट कॉम्बो है फॉर जिनको पेट्रोल प्रेफर करना है। एंड बात करते हैं डीजल की तो डीजल इस कार में अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं फीचर्स की। बता देता हूँ कि जो हमारी Volkswagen Tiguan है वो आएगी विथ अ राफ्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। 6 स्पीड एयरबैग्स आपको देखने को मिलेगा, ESC देखने को मिलेगा, VSC, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको। हील असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स, आइसोफिक्स के जो हमारे चाइल्ड माउंट सीट्स हैं वो सब देखने को मिलेंगे, ABS विथ EBD, पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग कैमरा एंड बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं फर्दर डिटेल्स की तो अब बात करते हैं मेन इक्विपमेंट जो कि इंटीरियर फीचर्स लिस्ट है उसमें। तो इंटीरियर फीचर्स लिस्ट में आपको मिल जाता है 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले एंड आपको जो है ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है। फर्दर बात करता हूँ तो आपको वर्चुअल कॉकपिट मिलता है, आपको इंटीरियर में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं, आपको USB-C टाइप पॉड्स देखने को मिलते हैं, रियर एसी वेंट्स होगा। सो ऐसे कुछ आपको जो है फीचर्स देखने को मिलेंगे इनसाइड द कार। लीदर रैप स्टेयरिंग व्हील होगा, एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील होगा, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, कूलिंग ग्लोव बॉक्स एंड ऑल्सो लीदर अपॉल्स्ट्री, ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये फीचर लिस्ट इनफ नहीं है, इतने ही नहीं है, और ज़्यादा फीचर्स हैं आपके पास जो कि सब मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन, हाँ वायरलेस चार्जर भी आपका अवेलेबल है, ये मत सोचेगा नहीं है, वायरलेस चार्जर भी आपको मिलता है इसमें, ये भी बता देता हूँ। सो ये सारी हमारी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अभी तक जितने पॉइंट्स बताए ये सारे कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है, ये VW ने खुद कन्फर्म किया है। एंड बात करते हैं कि Volkswagen Tiguan कब लॉन्च होगी, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगी। सो Volkswagen इंडिया ने कल ही हमें ये बहुत बड़ी अपडेट दी है कि ये जो है जो हमारी Tiguan SUV है वो जो है इंडिया में लॉन्च होगी इन द थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर, यानी कि जो सेप्टेम्बर मंथ का थर्ड वीक होने वाला है उसमें जो है Tiguan इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। एंड ये डेट भी बता देता हूँ 15 to 21, और अगर मैं बात करता हूँ वैसे या 15 to 25 तक अगर हम वेट करेंगे तो इसके बिटवीन में जो है ये इंडिया में ये कन्फर्म लॉन्च हो जाएगी। एंड ये खुद Volkswagen इंडिया ने कन्फर्मेशन दी है। एंड बात करते हैं कि डिलीवरीज बुकिंग्स कब से स्टार्ट होगी तो बता देता हूँ मिड ऑफ अगस्त से जो है इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी एंड मिड ऑफ अगस्त से ही इसकी जो है प्रोडक्शन डबल कर दिया जाएगा एंड मीडिया ड्राइव भी होगी। अब जैसे ही मीडिया ड्राइव एंड होती है सो Volkswagen इंडिया जो है इसकी लॉन्च डेट को रिवील करेगा एंड देन फाइनली कार लॉन्च होगी एंड प्राइसेस उसी दिन अनाउंस होगी जिस दिन ये कार लॉन्च होगी। ऑल्सो एक्सपेक्टेड प्राइस है 10 to 17 lakhs रुपीज एक्स शोरूम। एंड ये भी बता देता हूँ कि डिलीवरीज भी सेम डेट पे ही जिस दिन लॉन्च होगी सेम टाइम पे ही स्टार्ट हो जाएगी। सो ये थी हमारी द डिटेल्स रिलेटेड टू द लॉन्च प्राइस। बात करते हैं कि Volkswagen Tiguan आएगी कौन से सेगमेंट में, तो बता दे तो Volkswagen Tiguan SUV जो है आने वाली है द हॉटेस्ट सेगमेंट जो कि इंडिया का मिड साइज SUV सेगमेंट है। अब बता देता हूँ क्यों मैंने ऐसे बोला, बिकॉज इसमें है द टॉप ऑफ द शेल्फ का केक्स, अगर बात करता हूँ कि Seltos, Hyundai Creta, बेस्ट सेलिंग Hyundai Creta, ये सब कार्स जो है अवेलेबल हैं ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ एंड दैट्स वाई ये जो राइवलरी है बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। एंड Volkswagen ने इसी वजह से इसको सितंबर के आसपास रखा है बिकॉज फेस्टिव सीजन है, दिवाली भी आने वाली रहती है एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। सो
उन कस्टमर्स को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करना चाहती है फॉक्सवैगन इंडिया। देखने वाली बात यह है कि कैसा रहता है कंपटीशन एंड देखते हैं कैसा सेल्स रहेगी ऑफ द फॉक्सवैगन टाइगन। बाकी गाइस ये थी माय द कंप्लीट डिटेल। अगर आपको और कोई डिटेल जाननी है तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स या जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक क्यू एंड ए वीडियो बनाता हूँ पर्टिकुलर कार। आप जितने भी क्वेश्चन मुझे टाइगन पे देंगे इन द कमेंट बॉक्स लीव करेंगे या व्हाट्सएप पे पूछेंगे, उन सारे क्वेश्चंस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा बिफोर द लॉन्च एंड सारे आंसर्स दूंगा। बट टिल नाउ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, लीव कर सकते हैं या मुझसे जो है बता सकते हैं ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, या अपना जो भी डाउट है मुझे सेंड कर दें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड गाइस, एंड ऑल्सो क्लिक कर दे ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन कि मेरी नेक्स्ट अपडेट आए ऑन द फॉक्सवैगन टाइगन या जो भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, टिल देन गुड बाय।